गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मिनी मैथ्स। हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने किया है लेटर कोडिंग, डायरेक्ट लेटर कोडिंग और थोड़ा सा नंबर कोडिंग देखा है। आज हम पार्ट 2 कैरी करेंगे इसका, उसमें नंबर कोडिंग और सिंबल कोडिंग देखेंगे। ओके, कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे कैसे आएगा। गाइस इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं कोडिंग डिकोडिंग से, और काफी इजी वे में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप बिना कुछ लर्न किए आप इसे कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो बने रहिए मेरे चैनल पे। इसका थर्ड पार्ट भी मैं इसके बाद अपलोड करूंगी, जिसमें मैं मैट्रिक्स कोडिंग और सब्स्टिट्यूशन कोडिंग भी पढ़ाऊंगी। ओके गाइस, मैंने जब ये कोडिंग डिकोडिंग का सेक्शन स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको ये बताया फर्स्ट वीडियो में कि हम इसे लर्न कैसे कर सकते हैं, हमें लर्न करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, तो हमने ये बता दिया था। अब आगे हम देखें अगर नंबर कोडिंग के बारे में, तो मैंने एक और एग्जाम्पल लिया था कि लाइक सपोज अभी दूसरा एग्जाम्पल है, E = 5 गिवन है एंड यू हैव गिवन लाइक PEN, पेन की वैल्यू यू हैव गिवन 35। ओके, 35 दी हुई है एंड आपसे पूछ रहा है कि पेज का वैल्यू कितना होगा। क्या पूछ रहा है कि पेज का वैल्यू कितना होगा। अगर हम इसके अकॉर्डिंगली देखें तो E की वैल्यू कितनी असाइन की है, 5 असाइन की है। E की वैल्यू 5 है, मतलब हम क्या कर लें, यहाँ से देख रहे हैं E की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 5 है। तो हमें ये पता चल गया कि वो डायरेक्टली अल्फाबेट का ही नंबर कैरी कर रहा है। क्लियर। तो PEN को 35 कैसे लिख दिया इसने, है ना। तो P की वैल्यू कितनी है हमारे पास, P की वैल्यू है 16। E की वैल्यू कितनी है हमारे पास, E की वैल्यू है 5 और N की वैल्यू कितनी है हमारे पास 14। अगर हम इन सबको आपस में प्लस कर दें इनके नंबर्स को, तो हमें वैल्यू कितनी मिल रही है, 35 मिल रही है। तो हमारा कोड डिकोड हो चुका है ना। हमारे पास कोड क्या था, पेन = 35 दिया हुआ था, तो हमने उसे डिकोड कर लिया कि P के लिए 16 लिखा है, E के लिए 5, N के लिए 14, और किस बेसिस पे लिखा है, 10 नंबर्स के बेसिस पे लिखा है। ओके, तो हमें कितना मिल गया, 35 मिल गया। इन द सेम मैनर अगर मैं पेज को देखूं तो P के लिए हमें कितना मिला है, 16 प्लस A के लिए कितना है हमारे पास 1 प्लस G के लिए हमारे पास कितना है, G के लिए हमारे पास कितना है यहाँ पे 7 प्लस E के लिए हमारे पास कितना है, E के लिए हमारे पास 5। क्लियर। तो 16 + 1 कितना हो जाएगा, 17। 16 + 1 कितना हुआ, 17 और 5 + 7 कितना हो गया, 12। तो 17 + 12 अगर हम कर ले तो हमें ये कितना मिल जाएगा, 29। तो पेज की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 29। दिस इज योर आंसर। क्लियर है। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आप एग्जाम्पल्स ट्राई करिए। मैं आपको लिंक्स शेयर कर दूंगी कौन सी बुक से करना है आपको। ओके उसमें काफी अच्छे से सॉल्व करके दिया हुआ है, आप उससे सॉल्व करिए। वैसे तो मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे पैटर्न्स के बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगी ही। ओके गाइस, जब हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें लेटर्स कितने हैं, 3 लेटर्स हैं, लेकिन नंबर्स कितने हैं, 4 नंबर्स हैं, है ना। तो इस टाइप के जब हमारे पास कोडिंग्स मिल जाते हैं हमें, तो हमें बियॉन्ड द वे सोचना पड़ता है। ओके मतलब हमें ऐसा कुछ सोचना पड़ता है कि लाइक वो क्रैक कैसे हो, हमें वो चीजें देखनी पड़ेगी। अब जैसे इस क्वेश्चन में मैं देखूं कि रेड की कोडिंग की हुई है 6720। अब R तो 6 के आसपास भी नहीं भटकता है बॉस, R 18 है और 6 कहाँ है, F 6 है ना। तो फिर ये ऐसा क्या कर रहा है जिससे ये ऐसे कोडिंग कर रहा है ना, तो वो देखना पड़ेगा हमें। D क्या है, D कितना है, 4 है ना, D is 4। तो D के आसपास है क्या, 6, D के आसपास 6 हम लिख सकते हैं। तो अगर मैं ऐसा कुछ करूं कि रेड को मैंने क्या कर दिया, रिवर्स में लिख लिया, DRE लिख लिया। ओके अब उसके बाद मैं +2 2 करती जाऊं सब में, +2 +2 एंड +2। ओके अगर मैं ऐसा करूं तो मेरे को क्या क्या मिलेगा, D + 2, D का वैल्यू कितना है 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो जाएगा। E + 2, E की वैल्यू कितनी, 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 6 और 7 तो मिल गया। अब R + 2, R की कितनी वैल्यू, 18 + 2 हो गया तो कितना मिल गया, 20। क्लियर है। ये ऐसे हम अगर सोच पाए, कोडिंग डिकोडिंग का ऐसा नहीं है कि आप ना कुछ ट्रिक से सॉल्व कर पाएंगे या कुछ कर पाएंगे। अगर एट दैट मोमेंट आपका दिमाग चला, आपको ऐसा लगा कि हाँ ये हमसे हो जाएगा, ये हो गया है, तो वो क्रैक कर सकते हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देते हैं एग्जाम्स में जो आप बैठे रहेंगे, आधा घंटा भी लगा लेंगे, आपको उसके कोडिंग का समझ में नहीं आएगा कि इसे डिकोड कैसे करना है, राइट। तो इन द सेम मैनर अब हमें क्या पूछा है, ग्रीन का कोडिंग पूछा है, GREEN। इसे फिर हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, N ER G ऐसे लिखेंगे। अब n की वैल्यू कितनी है 14, तो डायरेक्ट पहले लिख लेती हूँ 14 5 5, r की वैल्यू कितनी है 18 एंड g की वैल्यू इज 7। अब हम क्या कर रहे हैं प्लस 2 2 कर रहे हैं इन सब में, प्लस 2 कर रहे हैं राइट, तो प्लस 2 कर लो, प्लस 2 कर लिया तो ये कितना हो गया 16, 5 का 6 5 का 6, r का कितना हो गया प्लस 2 20 और g का कितना हो गया प्लस 2, सॉरी r g का प्लस 2 कितना हो जाएगा 9। ओके तो ये 5 का 7 7 होगा, प्लस 2 करते जा रहे हैं ना कि प्लस 1, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1677209। दिस इज आंसर फॉर द ग्रीन। ओके क्लियर है इतना, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखूं तो यहाँ पे कुछ लेटर्स और उनके डिजिट कोड्स दिए हुए हैं। ओके अब उसके बाद भी और क्या दिया है, कंडीशन दिया है। कंडीशन क्या बोल रहा है, इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर इन द ग्रुप आर वॉवेल्स, अगर जो भी हमें वर्ड दिया है उसका फर्स्ट वाला वॉवेल हो और लास्ट वाला भी क्या हो वॉवेल हो। ओके तो हमें उसे किससे कोड करना है, डॉलर साइन से कोड करना है। क्लियर। नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, इफ both the first and last letter of the group are consonant, अगर first group भी consonant हो, first group का first letter और last letter भी consonant हो, तो उसे हमें किससे कोड करना है, hash से कोड करना है। ओके तो हमें ये condition समझ में आ गई कि हमें करने के लिए बोला क्या है इसने, हमें कंडीशन तो समझ में आ गई। तो अब फर्स्ट वाला देखते हैं, फर्स्ट वाला क्या लिखा है RBUKAE, तो R क्या है, R वॉवेल है नहीं, हमें पता है वॉवेल कौन कौन से, A E I, O and U, ये 5 वॉवेल है, इनको छोड़ के बाकी सब क्या है कॉन्सोनेंट है। तो R क्या हुआ कॉन्सोनेंट और लास्ट वाला क्या हुआ वॉवेल, तो इसके लिए हमें कोई कंडीशन नहीं पता है, हमें सिर्फ कंडीशन किसके लिए पता है, वॉवेल वॉवेल के लिए और कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट के लिए। ओके तो इसको एज इट इज ही हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे कोडिंग दी हुई है वैसे कोड करेंगे। तो R के लिए क्या है 6, तो 6, फिर B के लिए क्या है, यहाँ पे B के लिए है 7। ओके U के लिए कितना है 0, K के लिए देखिए K के लिए है 8, A के लिए है 9 और E के लिए कितना दिया है यहाँ पे, E के लिए दिया है 2। तो दिस इज आवर आंसर, और ये अगर ऑप्शन में अवेलेबल है तो ऑप्शन टिक करिए, अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा NOT, none of these। ओके 670892 670892 ऑप्शन नंबर बी इज आवर आंसर। क्लियर है। तो यहाँ पे फर्स्ट का तो हमें मिल गया ना, अब सेकेंड वाला क्या है K और B, K क्या है, K कॉन्सोनेंट में आता है क्या, यस K कॉन्सोनेंट है, B भी कॉन्सोनेंट है, हमें फर्स्ट और लास्ट लेटर के बारे में बोला गया इसलिए हम फर्स्ट और लास्ट ही चेक कर रहे हैं। ओके तो B कॉन्सोनेंट है क्या, यस B भी कॉन्सोनेंट है, मतलब कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वाला हमारा कंडीशन कौन सा था, हमारा सेकंड कंडीशन था कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट के लिए, उसमें हमें क्या करना था हैश से डिनोट करना था है ना, तो जो भी कॉन्सोनेंट है उसको। तो हमें तो ये पता चल गया कि क्या ये K U N A J B, इसमें से ये तो हैश आएगा K के जगह पे, B के जगह पे भी हैश आएगा, बाकी सारे जगह पे इनका जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आएगा। U के लिए 0, N के लिए कितना दिया, N के लिए दिया है 3, A के लिए कितना दिया 9 एंड J के लिए कितना दिया है 1। तो ये ऑप्शन अगर अवेलेबल है तो इसे हम टिक करेंगे। ओके यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर C इज योर आंसर। यहाँ पे एक और चीज देख सकते थे, हमें जब पता चल गया कि लास्ट के दोनों क्या होंगे कॉन्सोनेंट है, हमारे लास्ट के दोनों डिजिट क्या है, हमारे अल्फाबेट्स क्या है कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट को हमें किससे डिनोट करना था, हैश से। तो डायरेक्टली हमें ये सब ना करने के बजाय हम डायरेक्टली ऑप्शन से अगर देखते तो हम ये हैश हैश चेक कर सकते थे, लेकिन कई बार हैश हैश देख के ही इंसान टिक कर देता है और नन ऑफ दीज भी ऑप्शन में होता है। क्या पता कि ये जो अंदर के नंबर्स हैं वो मेल ही ना खा रहे हो सकता है कि ये ऑप्शन में हैश 0 3 8 1 हैश लिखा होता, आप सिर्फ हैश हैश देखते और क्या कर देते, आंसर नंबर 3 को टिक कर देते, लेकिन वो आपका क्या हो जाता गलत। क्यों, क्योंकि A के लिए हमने क्या साइन किया हुआ है, A के लिए है वैल्यू 9। क्लियर है। इसलिए गाइस पूरा चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। ओके नेक्स्ट पार्ट अगर मैं देखूं इसी का क्या दिया है, नेक्स्ट वाला थर्ड पार्ट अगर मैं देखूं तो क्या ये E है फर्स्ट में और I है, E और I क्या होता है वॉवेल में आता है, तो हमें ये फर्स्ट वाला कंडीशन मिल गया, वॉवेल एंड वॉवेल, वॉवेल फर्स्ट वाला और लास्ट वाला भी वॉवेल है। तो उसमें क्या बोला है, अगर वॉवेल है तो उसको हम किससे कोड करें, डॉलर से। ओके तो पहला वाला लेटर डॉलर और लास्ट वाला लेटर तो डॉलर होगा, उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर बी हमारा होना चाहिए। लेकिन हमने अभी क्या बताया, हमें अंदर के भी वैल्यूज को चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है ये E B N A P I। ओके तो ई और आई के लिए तो डॉलर डॉलर हो गया। बच्चा बी, बी के लिए क्या यूज है? 7। ओके, एन के लिए कितना है? एन के लिए 3, ए के लिए इज 9 और पी के लिए कितना है हमारे पास? इज 5। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। ओके, तो ऐसे ही इसके अगर कंडीशंस दे देंगे तो आपको कंडीशन के अकॉर्डिंगली ही उसे कोड करना पड़ेगा। ओके गाइस, अब इससे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, गो इक्वल्स टू 32। अब g की वैल्यू अगर मैं देखूं तो g की वैल्यू कितनी है? 7 और o की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 15। अगर मैं 15 + 7 करूं तो मुझे 22 मिल रहा है, ना कि 32, राइट। तो कुछ और किया होगा इसने, हमें वो सोचना पड़ेगा कि इसने क्या किया है। जी को उसने क्या लिखा होगा और ओ को उसने क्या लिखा होगा कि 32 बना दिया। ओके, तो अगर मैं जी का ऑपोजिट लेटर देखूं, ऑपोजिट लेटर टी, उसकी वैल्यू कितनी है? 20। और ओ का ऑपोजिट लेटर देखूं, ओ का ऑपोजिट लेटर क्या है? एल, उसकी वैल्यू कितनी है? 12। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये कितना मिल जाएगा? मुझे 32 मिल जाएगा। हमने ये अप्रोच लगाया है। ओके, हो सकता है कि ये गलत भी हो, इसलिए हम सेकेंड जो शी वाला दिया है उसको भी चेक करेंगे। ओके अगर अब मैं शी वाले को चेक करूं तो शी में क्या आएगा? S H E। S का अपोजिट क्या है? 8। ओके 8। H का अपोजिट क्या है? H का अपोजिट है 8, तो है उसका अपोजिट हमें क्या लेना पड़ेगा? 19। ओके H के अपोजिट में S है तो प्लस कितना आएगा? 19 प्लस E के अपोजिट में क्या है? V, दैट इज बिकम 22। ओके अब इन सबको ऐड कर लो, 22 + 19 + 8 कितना हो जाएगा? इट बिकम्स 49। ओके दिस इज 10 और दिस इज 9, कैरी गया 1 एंड दिस इज 49। तो ये फॉलो कर रहा है हम जो अभी अप्रोच लगाए हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे? सम का लिखेंगे। सम में s का ऑपोजिट क्या है? h, h की वैल्यू कितनी है? 8 प्लस o का ऑपोजिट l, l की वैल्यू इज 12, m का ऑपोजिट n, n की वैल्यू इज 14 एंड e का ऑपोजिट v, इसकी वैल्यू कितनी है? 22 है। ओके तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम इन सब को प्लस करते हैं तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा? 56। दिस इज योर आंसर। यहाँ पे पूछा था सम की वैल्यू कितनी है, तो सम की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 56 है। ये आपके ऑप्शंस में अवेलेबल होगा, आप टिक करिए, आंसर करेक्ट होगा। ओके इस क्वेश्चन को देखूं तो हम देखते हैं क्या दिया है। a = 2 दिया है, लेकिन a की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो क्या पता वो 1 बढ़ा के दिया होगा, है ना, मतलब +1 किया होगा मे बी। लेकिन m की वैल्यू कितनी होती है? 13। m का अगर 1 बढ़ाएंगे तो कितना होना चाहिए था? 14 होना चाहिए था, लेकिन m की वैल्यू उसने कितनी दी है? 26। तो ये कुछ और कर रहा है, 1 प्लस नहीं कर रहा है, राइट। तो ये कुछ और में क्या कर रहा है ये देखते हैं। a की वैल्यू क्या की है उसने? 1 से 2 कर दी, तो 1 में अगर हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2। वैसे ही m की वैल्यू कितनी है? 13 है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें? 26। मतलब जो भी वैल्यूज आ रही है उसका वो मल्टीप्लाई कर देता है किससे? 2 से। इन द सेम मैनर अगर मैं z के लिए देखूं, z का वैल्यू 26 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगी तो कितना मिल जाएगा मेरे को? 52। तो हमें अप्रोच पता चल गया है, हमें पता चल गया है कि इसने कोड कैसे लिखना चाह रहा है। अब वो बोल रहा है बेट की वैल्यू लिखो। ओके बेट की वैल्यू लिखो, तो b क्या है यहाँ पे? b है 2, 2 का मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4 हो जाएगा। फिर e क्या है? e है, e के लिए कितना होगा? e 5, 5 × 2 = 10 और t कितना है? 20 एंड 20 × 2 = 40। ओके तो अब हम इसको क्या करें? अब इसको हम ऑप्शन के अकॉर्डिंगली करेंगे। अगर ऑप्शन में ऐड करने का है तो ऐड करेंगे, अगर सब्सट्रैक्ट करने के टाइप के आंसर रहेंगे तो वो करेंगे। ओके तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 + 10 + 40 दैट बिकम्स 54। बेट का आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास? 54। सिंबल कोडिंग देखते हैं थोड़ा सा, क्या बोल रहा है? ऑर्डर को लिखा है कुछ इस तरीके से, बोर्ड को लिखा है कुछ इस तरीके से, तो अबॉर्ड को क्या लिखेगा? ओके तो हम अब देखें कि पहले तो ये होगा कि अगर ऐसे सिंबल्स में दिया रहेगा तो जो भी यहाँ पे नाम लिखा होगा, जो भी लेटर्स लिखे होंगे वो इन दोनों में से ही आए हुए लेटर्स होंगे। जैसे ए आया हुआ है, बी भी आया हुआ है ना, तो वो उसी के अकॉर्डिंगली फिर क्या हो पाएगा? कोड हो पाएगा। ओके तो चलो जैसे मैं देखूं, अगर यहाँ पे ओ के लिए क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। ओ के लिए क्या दिया है उसने? एब्स्ट्रैक्ट बनाया है। ओके हमें जो जो जरूरत है उसको उसको ले लेते हैं, आर की जरूरत नहीं है, डी की जरूरत है। डी के लिए क्या लिया है? आर के लिए स्लैश है, तो डी के लिए क्या होगा? डी के लिए उसने लिया है डॉलर साइन। ओके फिर ई की जरूरत है, यस, ई के लिए उसने क्या लिया है? हैश लिया हुआ है। और आर के लिए, आर के में जरूरत नहीं है। बी की जरूरत है, यस, बी की जरूरत है, बी के लिए उसने क्या लिया है? @ ओ की जरूरत है, यस, ओ हम ले चुके हैं, ओ एब्स्ट्रैक्ट ही है। ओके ए की जरूरत है, ए के लिए उसने क्या ले लिया है, ए के ले लिया है परसेंटेज। ओके तो हमें ये सारे वर्ड्स मिल गए, ए हो गया, डी ई हो गया, सारे वर्ड्स मिल गए। तो अब हमें रीअरेंज कर लें, तो ए के लिए क्या लेंगे हम परसेंटेज, बी के लिए क्या लिया है एट द रेट, ओ के लिए क्या लिया है एब्स्ट्रैक्ट, डी के लिए क्या है डॉलर एंड ई के लिए क्या है हैश। तो दिस इज योर आंसर, वेरी इजी गाइज, वेरी इजी, बट आपको उस टाइम पे समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके इस कोडिंग को देखें तो ये क्या है कैट, ये लिया हुआ है। ओके तो हम सी के लिए क्या लिख लिए हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क, ए के लिए क्या लिख लिए हैं एट द रेट, टी के लिए क्या लिख लिए हैं हैश। ओके फिर यहाँ पर डॉग में क्या आया, डी के लिए हमने क्या लिखा है डॉलर, ओ के लिए लिखा है परसेंटेज एंड जी के लिए क्या लिखा है एम्परसेंड। ओके इन द सेम मैनर बी के लिए हमने क्या लिखा है एब्स्ट्रैक्ट, ए के लिए क्या लिखा है ये। गाइस यहाँ पे आपने नोटिस किया क्या, यहाँ पे दो दो वैल्यूज दी हुई है ए की, है ना, एक ये भी दिया है ए के लिए और अब ये भी दिया है ए के लिए। अगर इनमें से कोई सा एक ऑप्शन में अवेलेबल रहेगा तो हम उसके अकॉर्डिंग ले जाएंगे। ओके और क्या बच गया यहाँ पे, आर क्या दिया है ये और के कितना दिया है ये दिया है। अब पूछा हमें किसके लिए, बैक के लिए, तो बैक के लिए क्या हो सकता है, बी कैसे लिखते हैं हम, बी है एब्स्ट्रैक्ट, ओके ए क्या है ए एट द रेट भी है और ए क्या है ये भी है, तो बी तो एक ही है लेकिन ए दो दो है, तो दोनों वैल्यूज को हम लिखते हुए चलेंगे। सी क्या हमारे पास, सी है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी मार्क, दोनों में सी एक्सक्लेमेटरी मार्क, और के क्या हमारे पास, के है ये। ओके तो इन दोनों में से अगर कोई एक ऑप्शन मिला तो हम एक को टिक करेंगे, अगर दोनों ऑप्शन हुआ तो दोनों को टिक कर तो सकते हैं नहीं हम, तो कुछ तो देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन किस तरीके से है, एब्स्ट्रैक्ट एट द रेट एक्सक्लेमेटरी ये तो है, बी ऑप्शन तो है और ये ए ऑप्शन भी है, दोनों ऑप्शन है। अब दोनों ऑप्शन को तो हम टिक नहीं कर सकते। आगे और क्या दिया, आगे दिया बोथ ए एंड बी, हमें पता है कि दोनों ए और बी ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए हम किसको टिक करेंगे, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शंस। ओके अगर सेम वेरिएबल के लिए दो कोड दे दें तो गाइज आप वहां पे ऑप्शंस एक बार फिर से चेक करिएगा और उसके अकॉर्डिंगली लगाइएगा। अगर जल्दबाजी में आपने फर्स्ट को ही टिक कर दिया होता तो आपका आंसर गलत हो जाता। ओके एक और कोडिंग देखते हैं हम, ये इसे सिंबल कोडिंग इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि हम 7 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन से, 3 को एच से, और इसे कंडीशनल कोडिंग भी बोल सकते हैं बिकॉज यहाँ पे हमें क्या दिया रहता है, कंडीशंस दी हुई रहती है। ओके तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या है, इफ फर्स्ट डिजिट इज इवन, अगर जो भी पहला डिजिट है वो क्या रहे, इवन रहे, एंड लास्ट डिजिट क्या रहे हमारे पास, ऑड रहे, तो ये फर्स्ट उसके लिए। ओके नेक्स्ट क्या, इफ द फर्स्ट डिजिट इज ऑड, अगर पहला डिजिट क्या रहे, ऑड रहे, दिस इज इवन। ओके और लास्ट डिजिट क्या रहे, इवन रहे, तो हमें क्या कोड करना है, यहाँ पे फर्स्ट वाले में हमें क्या कोड करना है, अगर फर्स्ट डिजिट इवन है और लास्ट डिजिट ऑड है तो कोडेड एज दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, मतलब इवन को हम इससे कोड करेंगे और ऑड को हम इससे कोड करेंगे। यहाँ पे रेस्पेक्टिवली लिखना भूल गया है, ओके रेस्पेक्टिवली। ओके और फर्स्ट डिजिट अगर ऑड है एंड लास्ट डिजिट इवन है तो उसे कोड किससे करेंगे, हैश एंड परसेंटेज। ओके अब इसके अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट क्या है 3, फर्स्ट डिजिट क्या है ऑड है, ऑड फॉलोज, 8 क्या है इवन है, तो ये कौन से कंडीशन में आया, ये फॉलो किया सेकंड कंडीशन को। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली फर्स्ट डिजिट जो ऑड है उसको हम क्या कर लें, हैश लिख लें, और जो लास्ट डिजिट है उसे हम क्या कर लें, परसेंटेज लिख लें। सिर्फ उन्हीं दो डिजिट के बारे में बात हुई है कि चेंजेस हुए हैं, बाकी सबको इस टेबल के अकॉर्डिंगली पुट करना है। ओके जैसे 6 है तो 6 को हम क्या लिखेंगे, आर, 6 की जगह पे आर आ गया, 2 की जगह पे एफ आ गया, ओके 5 के जगह पे कितना आएगा एल, 0 की जगह पे टी, टी 9 की जगह पे कितना आ गया जी। तो ये हो गई हमारी कोडिंग फॉर द फर्स्ट वाले के लिए। ओके अब अगर मैं सेकेंड वाला देखूं, सेकेंड वाला देख लेते हैं। सेकेंड क्या दिया है 1, 1 किस में आएगा, ऑड में आएगा, ओके तो ये सेकेंड कंडीशन, लेकिन 0, 0 ना ही ऑड है और ना ही इवन है। ओके ना ही तो वो इवन है और ना ही वो क्या है ऑड है, 0 को ना हम इवन में काउंट करते हैं ना ऑड में काउंट करते हैं, लेकिन तो फिर उसके अकॉर्डिंगली ना ये कंडीशन 1 को फुलफिल कर रहा है ना ही 2 को फुलफिल कर रहा है। अगर वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है तो एज इट इज जो भी आंसर इन कोडिंग के इन टेबल के अकॉर्डिंगली आएगा उसी को हम लिख देंगे। ओके तो 1 की जगह पे क्या आएगा, 1 की जगह पे आएगा डी, क्लियर, 3 की जगह पे क्या आएगा, 3 की जगह पे आएगा एच, 7 की जगह पे एन, 5 इज फॉर एल, 4 is for Q, 9 G and 0 T. तो ये हो गया सेकंड का आंसर, क्लियर है। अब इन द सेम मैनर अगर मैं थर्ड वाले क्वेश्चन को देखूं, ओके, तो थर्ड वाले को मैं जब देख रही हूँ तो थर्ड वाले में क्या है 4, क्या ये 4 इवन है, ओके, 1 क्या है ऑड है, ओके, मतलब ये कौन सा कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ये कर रहा है फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ना। तो हम चलो अब ये फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंगली इसको लिख लेते हैं, ओके, तो लिख लें अगर तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4 की जगह पे क्या लिख लेंगे क्यू, ओके, लेकिन हमने क्या पढ़ा है ये फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ना, तो इवन की जगह पे हमें क्या लिखना है डॉलर और ऑड की जगह पे क्या लिखना है एट द रेट, फर्स्ट और लास्ट के लिए। तो फर्स्ट वाला क्या आएगा डॉलर और लास्ट वाला क्या आएगा एट द रेट, बाकी बीच वाले नंबर्स को हम बीच में लिखेंगे, ओके। 6 के लिए क्या यूज है, 6 के लिए है आर, 2 के लिए है एफ, ओके, 0 के लिए कितना है, 0 के लिए टी, 4 के लिए इज क्यू एंड 8 के लिए है पी। So this is the answer for the third one, okay guys। जो coding decoding काफी easy जाता है but आपको quick करना है, जितनी ज्यादा जल्दी आप practice करेंगे उतने ज्यादा ही आपसे question solve होते जाएंगे, okay। इस question को मैं देखूं तो ये क्या बोल रहा है termination को ऐसे कुछ code किया हुआ है, तो motion को कैसे code करेगा। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये numbers लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 7, फिर से 1 आ गया, कैसे। अभी तक T से लेके A तक हर एक वेरिएबल एक एक बार आया था, लेकिन जैसे ही टी आया उसने फिर से जो टी का कोड यहाँ पे 1 लिखा हुआ है उसी को लिख दिया, आई का कोड यहाँ पे लिखा है 5 तो 5 को लिख दिया, ओ अभी तक आया ही नहीं था तो ओ को हमने 7 के बाद कौन सा नंबर दे दिया, 8 नंबर दे दिया, ओके। तो इन द सेम मैनर अब हमें क्या करना होता है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, जैसा इसमें है उसी के अकॉर्डिंगली उठा उठा के यहाँ पे रखना है। एम को किससे कोड किया है 4 से तो 4, ओ को किससे कोड किया है 8 से तो 8, टी 1 से, आई किससे है 5 से, ओ किससे अगेन 8 से और एन किससे है 6 से। तो ये आपका आंसर हो गया। ऊपर वाले कोडिंग को देखते हुए नीचे वाला कोड हमने कर लिया है सॉल्व, ओके। लेकिन अगर आपके पास ऐसा, ये समझना इसलिए जरूरी था कि 7 के बाद ये 8 आया, सपोज आपके पास कुछ ऐसा रहता लाइक मोशन और फिर एस दे देता, मोशंस दे देता, तो आप क्या करते तो आप क्या लिख सकते थे ऑप्शंस में, या तो एनओटी डालते आप नन ऑफ दीज, या तो कांट डिफाइन डालते कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ओके, कैन नॉट, या फिर अगर ऑप्शन ऐसा कुछ देता सिर्फ नंबर्स देता और ऑप्शन पूछता तो हमारा ये तो आ जाता जो रिपीटेड है वो तो आ जाता, लेकिन एस है क्या यहाँ पे, एस है ही नहीं, तो हम एस को क्या देते, 8 के बाद जो नंबर आता उसको देते हम 9, क्लियर है। यहाँ पे हाईएस्ट नंबर 8 आया था क्योंकि अननोन वैल्यूज पे आ रहे थे, अगर यहाँ पे एस लगा होता तो नेक्स्ट नंबर क्या मिल जाता हमें, 9 मिल जाता, इसलिए हम इसको भी क्या देते 9 दे देते। तो ये हो जाती है हमारी कोडिंग। गाइज यहाँ पे मैं रैप अप कर रही हूँ लाइक हमारा नंबर कोडिंग एंड सिंबल कोडिंग भी, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स कोडिंग एंड सब्सटीट्यूशन कोडिंग, ओके। टिल देन हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।